तालियां होनी चाहिए। जिला पदाधिकारी भोजपुर द्वारा ये उद्घाटन समारोह, और मैं अनुरोध करता हूँ विकास आयुक्त, यदि इंटरव्यू में भाग ले रहे हैं तो उनको दिक्कत होती है, तो इस तरह का जो एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम है, इसको कुशल युवा कार्यक्रम बोला जा रहा है, उस कार्यक्रम के तहत इनको जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र धनुपुरा में, वहाँ पर बड़ा केंद्र है, वहाँ ऑलरेडी हमारे पास 44 जगह पर केंद्र खुला हुआ है, उसको कुशल युवा केंद्र बोलते हैं। वहाँ पर जैसे ही आप इनरोल करेंगे तो आपके ब्लॉक में कम से कम एक या दो केंद्र होगा, 14 ब्लॉक हैं और 44 केंद्र, तो 2-3 सेंटर प्रत्येक ब्लॉक में चल रहा है, तो उसमें से उनको इनरोल कर दिया जाएगा। सिर्फ आपको जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पर आके निबंधन कराना है, आपको बता दिया जाएगा, आपके ब्लॉक में ही आप वहाँ जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं, तो 3 चीज़ की ट्रेनिंग मिल जाएगी, बेसिक ट्रेनिंग कंप्यूटर की, थोड़ी वो इंग्लिश की शिक्षा मिल जाएगी, कोई इंटरव्यू होता है उसमें अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं उसकी शिक्षा मिल जाएगी, तो ये एक बहुत बड़ा लाभ होगा लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। इसी में हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 11th स्टैंडर्ड के छात्र हैं वो सभी इस कार्यक्रम का लाभ लें, ताकि उनको भी, क्योंकि हमारे प्रत्येक विद्यालय में हासिल कर सकते हैं, बेसिक शिक्षा उनको यदि उपलब्ध हो जाएगा, उनका स्किल डेवलप हो जाएगा, तो उनको भी आगे भविष्य में काफ़ी लाभ मिलेगा। तो इस तरीके से ये सरकार का, बिहार सरकार का एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। ऊपर से उसके अलावा जो अलिम्को के द्वारा जो ये सेट किया गया है, और बिहार सरकार की सारी योजनाओं से संबंधित जो कैंप है, ये मेगा जिला वासियों से मेरा यही अनुरोध है, और आप लोग यहाँ आए हैं, आप लोग को, आप लोग आज इनरोल हो जाएगा और 60 दिन के अंदर आप लोग को उपस्कर भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप लोग जैसे घर जाते हैं तो और भी लोगों को बताएं, आपके रिश्तेदार या फ्रेंड दूसरे ब्लॉक्स में भी होंगे, दूसरे पंचायत में भी होंगे, उनको भी बताएं कि इस तरह की जो सरकार के द्वारा जो कैंप का उद्घाटन किया गया है उसका लाभ लें। आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एलिम्को कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एसटी साहब और डीडी साहब यहाँ उपस्थित हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एसटी साहब से अनुरोध होगा कि वो अपनी ओर से विस्तृत सारी बातें जिला पदाधिकारी महोदय ने बता दी हैं आप लोगों को। जितनी भी योजनाएं चलती हैं, भारत सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, ये एक PPP सॉर्ट ऑफ मॉडल है, जिसमें प्राइवेट कंपनीज और सरकार के साथ मिल के लाभ आप लोगों तक पहुंचाने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। और इस ब्लॉक में आज शुरुआत है, आज थोड़ी सी बंदी को लेकर थोड़ी सी मुझे लगता है जो उपस्थिति कम है, बट फिर भी आप लोगों का जोश यहाँ पे बाहर भी देखने को मिला, यहाँ भी, तो वो सराहनीय है। आप लोगों से अनुरोध यही है कि अपने जो रिश्तेदार हैं जो दूसरे प्रखंडों में हैं, ये कैंप हर प्रखंड में 1 दिन के लिए लगने वाला है, वो कार्यक्रम जारी कर दिया गया था, तो दूसरे प्रखंड संख्या में जाके इसका लाभ उठाए। मुझे लगता है कि योजनाओं के विषय में कैसे लेना है इसके बारे में ज़्यादा विस्तृत रूप से एलिम्को के जो प्रतिनिधि हैं वो आपको बता पाएंगे, तो मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि अपने योजनाओं के बारे में थोड़ा बता दीजिए आप। सभा में आए हुए हमारे दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिकों का मैं स्वागत करता हूँ। एलिम्को जो है भारत सरकार के एक अंग है, भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत काम करने वाले एक गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आप लोगों के एडिप स्कीम के तहत तो पहले से आप लोगों की सेवा, दिव्यांगों का सेवा करती आ रही है, उनके लिए कृत्रिम अंग, हाथ पैर, कान की मशीन, व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल वगैरह बनाती है। पिछले साल से भारत सरकार ने वयोवृद्ध नागरिक जो हैं 60 साल से ऊपर जिनकी है उम्र है और वो BPL कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए एक स्कीम लॉन्च किया है, राष्ट्रीय वयोश्री योजना। उसके तहत भी हम लोग जो 60 साल से ऊपर जो नागरिक हैं उनके लिए कान की मशीन, ट्राईपॉड, टेट्रापॉड, व्हील चेयर इत्यादि, कई प्रकार के चश्मा, कृत्रिम दांत, ये सब हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। इसमें के लिए पहले होता है कि परीक्षण पहले किया जाता है, जैसे कि आज यहाँ परीक्षण शिविर लगा हुआ है, ऐसा परीक्षण शिविर हर ब्लॉक में DM साहब ने हमें आदेशित किया है कि यहाँ 14 ब्लॉक है, 14 ब्लॉक में अलग अलग तिथियों में हम लोग परीक्षण शिविर का आयोजन कर रहे हैं। आज पहला हमारा यहाँ स्टार्टिंग है आरा में, और यहाँ पे हम लोगों ने, हमारी टीम भी आई हुई है, करीब हमारे पास 15 से 16 आदमियों की टीम है जो कि इस परीक्षण शिविर में अलग अलग, उसमें अलग अलग विभाग के हैं, PNO हमारे पास है, दांत के लिए हैं, कान की टीम है, अलग अलग विभाग के हमारे पास टीम है जो कि उसको रिकमेंड करेगी सामान को। और जैसा कि हमें DM साहब ने आदेशित किया है कि 2 महीने के अंदर जो भी ये परीक्षण हो रहा है उसमें जो भी इक्विपमेंट मिलेगा इनको, हेलो
दो महीने के अंदर हम लोग उनको एक मेगा कैंप लगा के, मेगा कैंप में हमारे विभाग के मंत्री जी भी आते हैं और जिसके तहत ये जिसको हम लोग कोशिश करते हैं कि जितने से जितने लाभार्थियों को इसमें लाभ का स्कीम का फायदा मिल सके हम लोग देने के लिए तैयार हैं। हमारी टीम इसके लिए तत्पर रहेगी और ये 14 दिन तक का ये जो कार्यक्रम है 14 ब्लॉक में हमारी टीम सर है तत्पर रहेगी। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी आइए शिविर में, अपने पास पड़ोस और जितने लाभ जानकारी दे सकते हैं जिनको आप जिनको स्कीम की जानकारी नहीं है उनको भी बुलाइए और वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके आप लोग दो महीने के अंदर सामान लेने के आप लोग आइए। धन्यवाद। लाभार्थियों का निबंधन का कार्य किए गए हैं और वे लाभार्थी अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए हैं। डीएम साहब, एसपी साहब और डीजी साहब से कृपया अनुरोध है कि उन्हें पर्ची का वितरण किया जाए। सर मिलेगा क्या नाम है आपका? या विशाल यादव। संतोष कुमार सिंह। राम सेवी चंद यादव। इसको अच्छे से रखिएगा, जो पर्ची आप लोग को मिल रहा है इसी पर। वीरेंद्र भगत। आगे वीरेंद्र भगत। अखिलेश सिंह। राजकुमार। राजकुमार आ जाइए। रामचंद्र प्रसाद गुप्ता। रामचंद्र प्रसाद गुप्ता आ जाइए। मोहम्मद अखलाक। अच्छा जमा करना है, ठीक है। उधर देखिए। अंजलि कुमार। क्या दिक्कत है आपको? कोई पैर का प्रॉब्लम इनको, एक सर छोटी साइकिल और एक प्रेम चंद्र प्रसाद। से भी अनुरोध है कि आप लोग हर जगह इनको प्रचारित करें ताकि मैक्सिमम लोग इसका लाभ ले सके। इनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, 1000 लोगों को तक को ये डील कर सकते हैं प्रत्येक दिन। तो हाँ, नेक्स्ट प्रखंड में और ज्यादा हम लोग हमारी टीम अगर हमें जरूरत लगी तो और बढ़ा लेंगे। ये हमारे डेंटिस्ट है सर, डेंटिस्ट के लिए नहीं फोन करिए, बोलिए तुरंत। ये हमारे ऑडियोलॉजिस्ट हैं, ये भी ऑडियोलॉजिस्ट हैं हमारे कान के लिए देते हैं। इसके अलावा हमारे पास 4 डाटा मैन अपने से सेंट्रल रजिस्ट्रेशन कर यही थे किया मैंने। आपकी आपकी भी टीम है? अच्छा, कौन कौन है? आप हैं और ऑर्थो वाले कहाँ हैं? ला लीजिए, यहीं रहेंगे यहीं पर। ठीक है सर, मेगा हेल्थ एलिमेंट के द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया है सर, बताया जाए क्या बेनिफिट्स? ये सिर्फ हेल्थ कैंप ही नहीं है, मतलब बिहार सरकार और के द्वारा जो भी योजनाएं चल रही है, 7 निश्चय से संबंधित योजना, कृषि से संबंधित योजना, भारत सरकार की योजनाएं, सभी योजनाओं के लिए ये कैंप लगा है। जैसे कि किसी को पेंशन नहीं मिल रहा हो वो भी अपनी समस्या आ करके यहाँ रख सकते हैं, वो उसको इनरोल कर लिया जाएगा और उसका निष्पादन किया जाएगा। और एलिम्को कंपनी के बारे में बताया गया है कि भारत सरकार की एक अंग है ये और सामाजिक सुरक्षा के लिए कार्य करती है। तो उनके तहत जो भी इनकी दो योजना है, वयोश्री योजना और एडीप योजना, इन दोनों योजनाओं के तहत जो है सभी संबंधित व्यक्तियों को लाभ दिलाया जाएगा। सर सुविधा सारी निःशुल्क है क्या? सभी निःशुल्क सुविधा है, कोई शुल्क यहाँ पर नहीं है। प्रखंड मुख्यालय में भी इसका कैंप लगने वाला है। आरा शहर के लिए स्टेडियम में लगाया गया क्योंकि यहाँ पर हमें ज़्यादा जगह एक साथ मौजूद था और बाकी जगह पर प्रखंडों में लगाया गया है, कुछ जगहों पर प्रखंड के बगल में जो बड़े विद्यालय हैं वहाँ लगाया गया। इसको ऊँचा करा के उस पर टंगवा दीजिए ताकि वो बाधित नहीं हो, ये सही नहीं लगे। ठीक
आपके द्वारा और सिर्फ ब्लड का ही डोनेशन डोनेशन आ रहे हैं आपके पास? जी सर, लोग आ रहे हैं जी सर, कई लोग आपका विजिट किए जो साइन करवा रहे हैं? क्यों नहीं करवा रहे हैं? उनको अनाउंस कीजिए जो आएंगे उनसे साइन करवाएंगे। हम पूछेंगे कितने लोग आए। आया है अभी तक जी सर 26 लोग आए। अरे तो ऐसे थोड़ी होता है, थोड़ी होता है। आप हस्ताक्षर करवाइए, सुझाव के लिए फसल जो आ रहा है उसका नाम लेके साइन कराइए ना। बाकी कर रहा है, आप ही नहीं कर रहे हैं सर। पेंशन पेंशन नहीं मिल पाया है जिनको, उनके लिए आवेदन ले रहा है। आवेदन ले रहे हैं अब तक कितना आवेदन आया? अभी तक सर 15 है सर। अच्छा, तो उनका क्या आरटीजीएस पर नहीं जाना? नहीं सर, अभी तो नया वाला खुलेगा।